हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से फेमस है, और इस प्रिंसिपल को आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो पार्टिकल मोशन के अंदर है या सिस्टम जो मोशन के अंदर है उसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसिडर कर लीजिए कि कोई पार्टिकल हमारा मोशन के अंदर है, वो एक्स एक्सिस मोशन पे है, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस ही वो मूव कर रहा है। और हम अगर ये कंसिडर कर लें कि जो पार्टिकल है वो हमने जब देखा वो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट पे था, और आप जब देखने लगेंगे तो इतने पार्टिकल क्या कर चुका होगा, शिफ्ट कर चुका होगा। तो अब देखिएगा कि जब आप देख रहे हैं और जब आपने देखना छोड़ा तो पार्टिकल का जो पोजीशन है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है तो आप पोजीशन को एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता पाएंगे, एक्यूरेट पोजीशन तो नहीं बता पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो एक्स से लेकर और वो कहाँ तक लाई कर रहा होगा, x प्लस डी एक्स तक कहीं पर होगा। तो हमने भी यही मान लिया कि x से लेकर x प्लस डी एक्स तक पार्टिकल कहीं लाई कर रहा होगा। तो हमने रेंज क्या मान ली पार्टिकल की, हमने पार्टिकल की रेंज मान ली डेल्टा x। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको पोजीशन की अनसर्टेनिटी पता हो, यानी कि ये पता हो कि पार्टिकल इस रेंज से इस रेंज के बीच में लाई करेगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेंज से इस रेंज में लाई करेगी वो भी आप पता लगा लेंगे, यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल, एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल इज़ नोन एज मोमेंटम, आप मोमेंटम का पता लगा लेंगे। तो अगर दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज लाइंग इन बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा डी एक्स, देन द मोशन और द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ए डेल्टा पी एक्स। तो इसका मतलब जो पार्टिकल की मोशन है या पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो हम ये कह देंगे कि पी एक्स से लेकर कहाँ तक मिलेगा, वो आपको डेल्टा पी एक्स तक मिलेगा। ये रेंज बहुत स्मॉल रेंज हैं, 10^-3, 10^-4, 10^-6 ऑर्डर की। तो सोच के देखिएगा, दो पार्ट पोजीशंस हैं एंड दीज पोजीशंस हैव ए अनसर्टेनिटी ऑफ 10^-6 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.005 लगाइएगा फिर 1 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट हम क्या मान लेंगे कि डेल्टा एक्स क्या हो गया आपका, बहुत कम आता है। इसी तरह से डेल्टा एक्स अगर कम है तो डेल्टा पी की वैल्यू भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, तो आपके पास कम ही आती है। तो इसी वजह से डेली जो रूटीन की लाइफ है या डेली के जो एक्सपीरियंस है या डेली जिस सिस्टम्स के साथ हम डील करते हैं वहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम जो है अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते हैं। तो अब ये देखिएगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपका पार्टिकल एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की रेंज के अंदर है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है, तो उसकी जो मोशन है यानी कि जो उसका मोमेंटम है वो उसकी रेंज रहेगी डेल्टा पी एक्स, यानी कि पी एक्स से लेकर पी एक्स प्लस डेल्टा पी एक्स तक। तो अब ये देखिएगा, जो आपका प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स का, दिस इज योअर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड विद द अनसर्टेनिटी इन द मोशन और इन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल टू एच और ग्रेटर देन एच, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों फिजिकल क्वान्टिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो या तो एच के इक्वल होगा या एच से बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। तो h क्या है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट है, इट मींस इन दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब सोच के देखिए, डेल्टा x अगर ज़्यादा हो गया और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है डेल्टा x का और डेल्टा px का वो कांस्टेंट है, तो अगर डेल्टा x की वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, एच आपका मूव कर ही नहीं रहा, वेरिएंट क्वांटिटी है ही नहीं, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डेल्टा पी एक्स को उस टाइम क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। छोटा होने का मतलब क्या है, आप एग्जैक्ट मोमेंटम बता देंगे। अगर डेल्टा एक्स बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके एक्स के बीच में और एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बीच में आपकी ये जो रेंज है डेल्टा एक्स वो बहुत बड़ी है, यानी कि पोजीशन की जो रेंज दी है आपने
यानी कि आपने ये कहा कि पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी हो सकता है, तो इट मीन्स अगर आप पोजीशन की एक्यूरेसी को अच्छे से नहीं बता पा रहे तो आप मोमेंटम की एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि डेल्टा पी एक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी। डेल्टा पी एक्स छोटी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पी एक्स से लेकर पी एक्स प्लस डेल्टा पी एक्स तक पार्टिकल का मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, और हम कह रहे हैं कि डेल्टा पी एक्स बहुत छोटा है। इसका मतलब ये जो आपका रेंज है, ये जो आपका पोर्शन है जिसको हम डेल्टा पी एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी है तो इट मीन्स दीज टू पॉइंट्स आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं आपके, तो ये तो एक ही पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब आप मोमेंटम तो एक्यूरेट बता गए। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका पोजीशन ज़्यादा अनसर्टेन है तो मोमेंटम सर्टेन है, इसका मतलब मोमेंटम आपको फिक्स क्वांटिटी में लगभग मिल जाएगी। अगर आपका मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है आपके पास? कांस्टेंट है, वो तो वेरिएबल है नहीं। तो अगर ये ज़्यादा है तो इसको क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। कम होने का मतलब क्या है? एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स आर लाइंग वेरी नियर बाय टू ईच अदर, तो आपकी ये रेंज तो बहुत छोटी हो जाएगी। ये रेंज छोटी होने का मतलब क्या? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर वेरी नियर बाय टू ईच अदर, तो इसका मतलब आप पोजिशन को क्या करवा पाएंगे? स्पेसिफर फाइव करवा पाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट बता पा रहे हैं तो मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, और मोमेंट की एक्यूरेट वैल्यू अगर आप बता पा रहे हैं तो आप पोजीशन की एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कह दिया कि अगर हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी कि पोजीशन की इनएक्यूरेसी पता है तो हम मोमेंटम की भी इनएक्यूरेसी का पता लगा लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स। एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट है वो आप जानते हैं 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है। अब देखिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट्स की वैल्यू को साथ साथ याद करना स्टार्ट कर दीजिए, दैट विल बी वेरी इजी टू लर्न फिजिक्स। बार बार आपको वैल्यूज नहीं देखनी पड़ेंगी। वैल्यू के साथ साथ एक काम और भी कीजिएगा, सिर्फ एक बार आपके माइंड के ऊपर बर्डन पड़ेगा, आप उनकी यूनिट ज़रूर याद रखिएगा। तो जूल सेकंड आपके पास यूनिट है किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट की। जूल एनर्जी और सेकंड आपको पता है टाइम की। तो ये ओवरऑल हम यहाँ पर अपनी आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन कर चुके हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रोडक्ट इन द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के। अगेन आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर सकते हैं कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंट्रेंस के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकल का मास हमें गिवन है 10 रेस टू पावर माइनस 6 ग्राम्स। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको कोई यूनिट, कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो तो ध्यान में रखिएगा कि वो ऐसा यूनिट दे रखी है, सीजीएस दे रखी है। अब ग्राम जो है वो सीजीएस यूनिट है, तो इसका मतलब सारे रिजल्ट हम किस में निकालेंगे? सीजीएस में, या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए तो बाकी यूनिट्स हम किस में ले लेंगे? एसआई में ले लेंगे। डेल्टा एक्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसका मतलब समझिए, ये डेल्टा एक्स की मतलब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो आपका जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, वो है 1 प्लस 0.00000, यानी कि 5 जीरो लगा दीजिएगा फिर 1 लिखिएगा। तो इसका मतलब ये जो आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो दिस इज़ द एक्यूरेसी इन द पोजीशन, या इनएक्यूरेसी भी कह सकते हो, क्योंकि एक्यूरेट तो आपने दिया ही नहीं है। आप अगर एक्यूरेट देते तो एक ही पोजीशन देते ना, आप ये थोड़ी बताते यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद देखिएगा, एच की वैल्यू
यहाँ पर ये भी आपके पास किस में है, सी जी एस में, ये भी किस में है, सी जी एस में, तो एच की वैल्यू भी हमें किस में लेनी पड़ेगी, सी जी एस में। तो अगर हम एस आई में लेते तो 6.6 × 10⁻⁴ क्या होता, -34 जूल सेकंड। अब जूल में नहीं लेना, अर्थ में लेना सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा चाहे सी जी एस में हो और चाहे एस आई यूनिट में हो। तो जूल में और अर्थ में डिफ्रेंस ही क्या है, 10⁻⁷ का है। तो आपकी 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्थ के इक्वल होती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना 10⁻⁷ से, तो आपकी 7 गल आपकी जो जीरोज हैं वो चली गई, तो बन गया कितना 10⁻⁷। तो देखिए h की वैल्यू हमने किस में ले ली है, हमने सी जी एस में ले ली है, क्योंकि बाकी 2 वैल्यूज हमारी सी जी एस में है। तो न्यूमेरिकल करते वक्त प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, डेल्टा x की वैल्यू पुट कीजिए। डेल्टा पी एक्स किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास में तो डिफेक्ट नहीं है, मास तो 10⁻⁶ ग्राम्स दे रखा है, तो हमने पुट कर दिया मास 10⁻⁶। तो एम इंटू डेल्टा वी, हमें तो डेल्टा वी वेलोसिटी में इनएक्यूरेसी पता करनी है, वेलोसिटी की रेंज पता करनी है कि मूविंग पार्टिकल जब उसकी पोजिशन ये थी तो उस टाइम उसकी जो आपकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो निकाल लीजिए 10⁻⁶, 10⁻⁶ ये टोटल मिलकर 10⁻½ हो जाएंगे। और आप थोड़ा सा इसको हेर फेर करेंगे इन जीरोज में, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 6 × 10⁻⁙ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल्स में 4 ऑप्शंस, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आपको मिलती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा 6 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड नहीं है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब सोचिए कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने कह दिया जो गाड़ी है मेरी वो हमारी 50 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, तो पहले सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट कीजिएगा, मीटर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है चल रही है। अब उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पर मेरी 5 जीरो कम भी कर दूँ, पहले मीटर में चेंज करूँगी तो मेरी कितनी ज़ीरो हो जाएंगी, यहाँ पर 2 जीरो का फ़र्क पड़ जाएगा, किलोमीटर से मैं चेंज करूँगी तो 3 जीरो का फ़र्क पड़ जाएगा। तो 10⁻⁶ में अगर मैंने 5 जीरोस का हेर फेर पर कर भी दिया तो 10⁻²⁰ किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये। तो सोचिए अब कि अगर 50 किलोमीटर पर सेकंड मेरी गाड़ी बता रही है तो इसका मतलब मैं 50 किलोमीटर पर सेकंड और 50 किलोमीटर पर सेकंड प्लस में 0.00021 किलोमीटर 21 लेके चल रही हूँ किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट यही ना मान लूँ तो नॉर्मल लाइफ के अंदर हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि उनके ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्कआउट कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा। तो हिंस इन एवरी डे लाइफ वी कांट फील द इफेक्ट एज द वैल्यू इज मच स्मॉलर देन द एक्यूरेसीज विद विच वन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल की वेलोसिटी आपने पता लगा ली कि वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.1501 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो 0.1501 सेंटीमीटर पर सेकेंड आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके उसके ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर वी के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है नॉर्मल रूटीन लाइफ में एवरीडे लाइफ के अंदर हम यूज़ नहीं कर पाते।